हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं बार्ड पेड प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और बार्ड पेड प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, हम बार्ड पेड प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि बार्ड पेड प्रोग्राम में ऑप्शन कैसे करते हैं, जैसे कि राइटिंग चेंज करना, कट पेस्ट करना, कॉपी करना और फाइल ऑप्शन से मैटर को सेव करना। तो चलिए पहले टाइप कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है, हमारे पास ये मेटा टाइप है। अब चलिए आपको बताते हैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन होता है इसमें फाइल। अब फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको बताएंगे कि फाइल ऑप्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ऑप्शन न्यू। यहाँ पर न्यू ऑप्शन का मतलब है कि जब भी हम यहाँ पे कोई टाइपिंग करते हैं, मैटर कुछ टाइप करते हैं, तो उसके बाद में हमें नया पेज एड करना हो तो यहाँ पर हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें नया पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है सेव, डोंट सेव और कैंसिल। यदि इस मैटर को हमने जो अभी टाइप किया है इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैटर हमारा सेव हो जाएगा। अगर सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे और मैटर हमारा कट हो जाएगा, सेव नहीं होगा। कैंसिल कर देंगे तो फिर से हम यहाँ से पहले इसे सेव कर सकते हैं। तो पहले हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर किसी भी नेम से, फाइल नेम से मैटर को हम सेव कर देंगे। ठीक है, हमारा मैटर ये सेव हो गया है। अब हम नया पेज ले सकते हैं नया मैटर टाइप करने के लिए। यदि हमें ओपन करके देखना हो इस मैटर को तो हम ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस मैटर को ओपन कर करके देख सकते हैं। ठीक है, नाम सर्च करना होगा जिस नाम से टाइप किया और ओपन हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं फिर। सेव एज, सेव एज का मतलब होता है यहाँ पे जो मैटर हमने टाइप किया है, यदि इस मैटर का फाइल का नेम हमें चेंज करना है तो सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसका नेम आ जाएगा। देखिए ये LKGHG आ गया है। यदि इसकी जगह हमें कुछ नया अपना नाम डालना है तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अमित और सेव। अभी मैटर हमारा अमित नाम से सेव हो गया है। इसके आगे हम करेंगे प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन शो कर रहा है। प्रिंट ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि हमें इस मैटर का प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले देखना कि हमारा प्रिंट किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रिंट ऑप्शन पे और देख सकते हैं कि प्रिंट हमारा किस प्रकार से निकलेगा। चलिए आगे फिर करते हैं पेज स्टेप। पेज स्टेप में होता है पेज का साइज सेट करना, किस प्रकार का हमें पेज का साइज रखना है, जैसे कि लेटर साइज, A3 साइज, A4 साइज, जो भी साइज में रखना हो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पेज पे उतना ही साइज शो करेगा। लेटर साइज में अधिकतम टाइप करते हैं, यहाँ से लेफ्ट होता है, राइट, बटन, टॉप, जो भी यहाँ से हम सेटिंग करना चाहें। फिर यहाँ से होता है पोर्टल साइज, लैंडस्केप, यदि हमें लैंडस्केप रखना है तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे और पेज हमारा लैंडस्केप हो जाएगा। अधिकतर पोर्टल में हम प्रिंट करते हैं तो पोर्टल साइज पे क्लिक करके और ओके कर देंगे तो हमारा पेज वैसा ही रहेगा। चलिए आगे करते हैं सेंड इन ईमेल। यदि हमें इस मैटर को किसी के पास सेंड करना है तो सेंड ऑप्शन पे क्लिक करके हम इस मैटर को सेंड कर सकते हैं। इसके आगे होता है अबाउट टू वर्ड पेड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करने के बाद आगे होता है एक्सिट ऑप्शन। यदि हमें इस प्रोग्राम को क्लोज करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे हम एक्सिट ऑप्शन पे और इस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी। फिर मिलेंगे आपको।